क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर चुके हैं नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने मोलिक्यूल को दो भाग में डिवाइड कर लिया है फर्स्ट इज कैटायन एंड एनायन कैटायन को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं जैसे एन ए पॉजिटिव आयरन प्लस थ्री पो ए जी प्लस एट्सट्रा एंड रेडिकल्स जो एनायन है वो क्लोराइड नाइट्रेट सल्फेट हम इन सब के टेस्ट स्टडी करेंगे और ये जो इनका इनको हमने डिवाइड किया है वो किस बेसिस पर किया है ये सब हम स्टडी करेंगे केटायन को हमने टोटल सिक्स ग्रुप में डिवाइड किया है ग्रुप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्सथ फर्स्ट में डिफरेंट कैटायन है हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट कैटायन है और हर ग्रुप का एक रिएजेंट है मतलब इसको डालकर ही हम इनको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं और ये किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो फर्स्ट ग्रुप में है लेड प्लस टू ए जी प्लस एच जी प्लस मर्करी प्लस इनका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है दैट इज़ डाइल्यूट एच मतलब हम डाइल्यूट एच डालेंगे और फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायन है वो एज क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे सेकेंड ग्रुप में ये जो आयन हैं कैटायंस ये एज सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट आउट होते हैं जब हम एच टू एस गैस एड करते हैं बट इन प्रजेंस ऑफ डाइल्यूट एच सी एल थर्ड ग्रुप में है आयरन प्लस थ्री क्रोमियम प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं एज देयर हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड फोर्थ में है कोबाल्ट निकल मैंगनीज एंड जिंक आयंस These are also precipitated as their sulphides, but now in presence of ammonia solution, ammonium hydroxide. Fifth barium, strontium, calcium ions. These are precipitated as their carbonates by adding ammonium carbonate in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide, and the sixth have. सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयन है इनका कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है मतलब हमारे पास जितने कैटायन थे हमने उनको छः ग्रुप में डिवाइड कर लिया है हर ग्रुप का एक अलग अलग रिएजेंट है और कंडीशंस भी अलग है किसी में एसिडिक मीडियम है किसी में बेसिक है किसी में हमने कुछ कुछ ऐड किया है साथ के साथ और वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं तो इन कैटायन को हमने क्यों इन छः पार्ट में डिवाइड किया है पर्टिकुलर रिएजेंट का क्या फंक्शन है और ये जो साथ में डल्यूट एच सी एल एन एच फोर सी एल अमोनिया सोल्यूशन ये सब क्यों ऐड करे गए हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ऑल द कैटायंस आर डिवाइडेड इंटू सिक्स ग्रुप ऑन द बेसिस दैट आर केटायन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप इज़ प्रेसिपिटेटेड बाई अ पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर ग्रुप रियजेंट है उसको डालकर ही हम किसी सोल्यूबल फॉर्म में जो आयन है उसको प्रेसिपिटेड बना सकते हैं ये जो डिविज़न है ये दो कंसेप्ट पर बेस्ड है फर्स्ट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज कॉमन आयन इफेक्ट अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है देखो कुछ साल्ट है मान लो एन सोडियम क्लोराइड पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम नाइट्रेट अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाते हैं बट हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट हैं जैसे बेरियम सल्फ़ेट लेड सल्फ़ेट सिल्वर क्लोराइड जो स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर पूरी तरह पानी में डिज़ोल्व नहीं होते सच टाइप ऑफ सॉल्ट आर कॉल्ड स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं ए जी सी एल सिल्वर क्लोराइड को सम अमाउंट कुछ पानी में डिजोल्व करो थोड़ी देर में सिल्वर क्लोराइड को जितना डिजोल्व होना होगा हो जाएगा बाकी एज इट इज़ बड़ा रहेगा तो हम उस सोल्यूशन को सेचूरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड हमारे पानी में नहीं घुल रहा टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर को चेंज हम नहीं कर रहे तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जितना सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व हुआ और जितना अभी अनडिज़ोल्व पड़ा हुआ है वो एक इक्ुबीरियम में प्रेजेंट है तो हम लिख रहे हैं ए जी सी एल सॉलिड इज़ इन इक्लुबीरियम विद ए जी प्लस दैट इज़ सोल्यूबल फॉर्म एंड क्लोराइड ये भी सोल्यूबल फॉर्म है तो एक इक्विबेरियम सेटअप हो गया है कि अब इससे ज़्यादा और डिजोल्व नहीं हो रहा अगर हम इक्वेरियम कॉन्स्टेंट लिखें के दैट विल बी ए जी पॉजिटिव कंसनट्रेशन क्लोराइड नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए जी सी एल सॉलिड कंसनट्रेशन मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट उसको हम नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई ए जी सी एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब जो सोलिड अनडिजोल्व पड़ा हुआ है पानी के साथ वो एक फिक्स कंसनट्रेशन पर है तो यहाँ जो कंसनट्रेशन ये जो कांस्टेंट है और ये के बी कांस्टेंट है इन दोनों का इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड के एस पी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अब ये है क्या क्या आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम किसी साल्ट को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो डिज़ोल्व आयन्स की कंसनट्रेशन है उसका प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी टाइम हम नोट कर सकते हैं इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं बाई वेरिंग द कंडीशन ऑफ आ रिएक्शन बट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज़ फिक्स ये हमेशा किसी के लिए कॉन्स्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जैसा कि हम इस रिएक्शन में कर रहे हैं कि एक इक्बेरियम सेटअप हुआ है और तब ये कंडीशन आई है ए जी पॉजिटिव सी एल नेगेटिव बराबर के एस पी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट हमारे इस केस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एट इक्लिबेरियम जब इक्लिबेरियम मेंटेन रहेगा तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आर इक्वल बट जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तब प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म तब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होती है जब आयनिक प्रोडक्ट कम रहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मीन्स सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट के बनने के चांसेस नहीं होते तब वो सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं अनसेचूरेटेड मतलब उसमें और साल्ट डिज़ोल्व हो सकता है अभी वो इक्लिबीरियम पर भी नहीं है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है तो तुम्हें प्रेसिपिटेशन की कंडीशन ध्यान रखनी है जब भी किसी रिएक्शन में आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तब प्रेसिपिटेशन होगी नेक्स्ट फैक्टर इज कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा हुआ है सबने कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे यहाँ मैंने अमोनिया सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी डिसोशिएशन को हम ऐसे दिखाते हैं डबल एरो तो एन एच फोर पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव इस रिएक्शन के साथ मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूँ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कंप्लीट डिजोल्व होता है सिंगल एरो एन एच फोर पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव तो जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में हम एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसमें एक आयन कॉमन हो पहले वाले के साथ यहाँ पर अमोनियम आयन अमोनियम आयन कॉमन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोशिएशन को राइट right साइड जाने को सप्रेस कर देता है तो मतलब पहले ये वीक था कम आयन दे रहा था अमोनिया के अमोनियम आयन के अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने इसकी डिसोशिएशन को सप्रेस कर दिया दबा दिया अब ये फिर से और कम डिसोशिएट होगा मीन्स राइट एंड साइड जाने की इस रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है दिस इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट और क्योंकि राइट एंड साइड जाने की टेंडेंसी कम हुई है तो अब अमोनियम आयन कम प्रोड्यूस होंगे साइमल्टेनियसली साथ में ये भी तो प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन तो इसकी कंसेंट्रेशन भी अब कम होगी एज कंपेयर टू द केस जब हमने स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया था तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोशिएशन और कम हो जाती है इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट ये दो कंसेप्ट रीजन बने हैं इन कैटायंस की छः ग्रुप में डिवीजन का बारी बारी से हम हर ग्रुप में हर रिएजेंट का फंक्शन पढ़ेंगे और इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका क्या रोल है वो पढ़ेंगे